हेलो फ्रेंड्स, बिमुल्स किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कुल्थ की दाल की कड़ी। ये कुल्थ की दाल है। दाल तो बहुत से लोग इसकी दाल बनाते हैं, कुछ लोग इसकी खिचड़ी भी बनाते हैं, तो आज हम इसकी कड़ी बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमें एक मीडियम साइज़ का प्याज चाहिए। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखा है। ये कुछ 8 से 10 कड़ी पत्ते हैं। दो हरी मिर्ची मैंने काट के रखी है। ये साबुत मेथी दाना है। ये हरा धनिया और ये हमारा नमक, ये हींग है। सबसे पहले हम दाल को अपने मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। और हमें 4-5 सेकंड के लिए चला लेना है। ये आप देख सकते हैं, मुश्किल से 3 या 4 सेकंड में ये सारा पिस गया है। ज़्यादा नहीं पिसना। दाल को मैंने एक दिन पहले भिगो के रखा है। तो अब आप देख सकते हैं दाल का पेस्ट बन गया है। आप इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे छलनी से छान लेंगे। फ्रेंड्स, दाल को एक रात पहले भिगो देना, क्योंकि ये दाल हार्ड होती है, इतनी आसानी से नहीं भीगती है। और अब हम इसे छलनी में डाल के छान लेंगे। तो छानने से क्या है कि हमारा जो छिलका है वो अलग हो जाएगा। ये इस तरह से आप एक चम्मच की तरह हल्की से ऐसे हिला लें और इससे सारा हमारा जो दाल का जो पल्प है वो अंदर आ जाएगा और छिलका अलग से हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डाल लें। ये हमारा छिलका सारा अलग हो गया। इस छिलके को आप आटे में गूंद के इसके परांठे बना सकते हैं। इसे फेंकिए मत। मैंने छिलके से इसकी पकौड़ियाँ बनाऊंगी मैं कड़ी की। ये देखिए, मैंने छिलके में 1 चम्मच बेसन डाला है और 1 प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल के अब मैं जो कड़ी में पकौड़ियाँ बनाने वाली हूँ वो छिलके से। अब हमारी कढ़ाई जो है गर्म हो गई है। इसमें मैं थोड़ी सी हरी धनिया भी ऐड कर देती हूँ। हमारा तेल जो है गर्म हो गया है। इसमें मैं ऐसी छोटी छोटी 2-4 पकौड़ियाँ निकालने वाली हूँ। ये देख सकते हैं आप, हमारी पकौड़ियाँ एक तरह से सिक गई हैं। कितने अच्छा ब्राउन कलर आ रहा है इसमें। अब हम ये दूसरी तरफ पलट लेंगे। तो हमने पकौड़ियाँ भी दाल के छिलकों से ही बना ली
और हमारा जो छिलका है वो भी यूज़ हो गया। बाकी आप जो छिलका आपके पास बचा है उसे आप परांठे बना सकते हैं आटे में गूंद के। तो अब मैं इसे इन्हें निकाल लूँगी और इसी तेल में फिर हम अपनी जो कड़ी को छौंकते हैं। अब एक एक करके मैंने निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये कढ़ी खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होती है। बेसन की कढ़ी तो आप लोगों ने बहुत बार खाई होगी। तो आज हम आपको कुल्फ की दाल की कढ़ी बना के खिला रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है मैं इसे निकाल लूँगी। वो हमें एक चम्मच ऑयल चाहिए इसमें, जैसे एक चम्मच तेल है। और अब मैं इसमें सबसे पहले ऐड करने वाली हूँ ये साबुत मेथी दाना एक चम्मच। जैसे ही मेथी दाना भुन जाए, थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाए, ये हमारी भुन गई है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं एक चम्मच जीरा और ये थोड़ी सी हींग मैं साथ डालती हूँ। ये हींग अब हम डाल लेंगे जो हमने प्याज काट के रखे हैं। प्याज को जल्दी भुनने के लिए आप इसमें चुटकी भर नमक ऐड कर दें। तो इससे हमारे प्याज का जो कलर है जल्दी चेंज हो जाता है और भुनाई जल्दी होती है। अब आप देख सकते हैं इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। थोड़ा हिलाएंगे कम, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहें। तेल थोड़ा कम हो गया, थोड़ा सा और डाल देते हैं। ये हमारा देख सकते हैं आप, नमक डालने से एकदम से कलर चेंज हो रहा है इसका। अब हम डालेंगे इसमें ये हरी मिर्चें, मैंने दो काट के रखी है, और ये 5 से 7 कड़ी पत्ते हैं। साथ ही हम ऐड कर देंगे ये अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट बना के रखा है। इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, मीडियम आंच पे भूनते जाएं। अब हमारे सारे मसाले पक गए हैं और उनकी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी, ये 1 टीस्पून हल्दी, ये देगी मिर्च, और ये है हमारा धनिया पाउडर, और ये कुटी हुई लाल मिर्ची। बस थोड़ा सा इसे भी चला लें। अब ये तैयार हो गया, और ये जो हमने घोल बनाया था दाल का ये है, और मैंने पहले से ही दही को फेंट के रखा है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ये मिक्स करने वाली हूँ और ये जाएगा अब हमारा कढ़ाई में। तो दही जो है अपनी आप दाल के हिसाब से लें। मैंने ये कटोरी दाल भिगोई थी तो उसके हिसाब से मैंने 250-300 ग्राम के करीब दही लिया है। अब आप इसके एक उबाल आने तक आंच फुल रखें, उसके बाद जो है आंच कम कर दें। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से और अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालें। तो अब हम इसमें दही वाले बर्तन में थोड़ा सा और पानी ऐड करके, क्योंकि इसे हमने पानी ज़्यादा डालना है, अच्छे से पकाना है, कम से कम 1/2 घंटे के लिए सिम पे रख देंगे हम बाद में। धीरे धीरे जितनी कड़ी पकेगी उतनी ही टेस्टी होगी।
और ये जो पकौड़ियाँ हमने बनाई है ये हम लास्ट में जब कढ़ी पक जाएगी उस टाइम ऐड करेंगे। धनिया भी लास्ट में ऐड होगा। तो अब इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। एक उबाल आने के बाद ये देख सकते हैं आप, एक उबाल आ गया है ये, और बीच बीच में आप इसे हिलाते रहें। एक ध्यान रखें, इसे पकाना अच्छे से है, और अच्छे से पकाने के लिए आपको थोड़ा पानी भी ज़्यादा डालना पड़ेगा, तभी इसका टेस्ट आता है। तो अब हम इसे आधे घंटे के बाद बीच बीच में हिलाते रहें और फिर आधे घंटे के बाद चेक करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए आधा घंटा हो गया है, ये हमारी कढ़ी पक के तैयार है, ये देख सकते हैं आप गाढ़ी हो गई। अभी हमें इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है क्योंकि ठंडी होकर कढ़ी और ज़्यादा गाढ़ी होती। अब हम जो पकौड़ियाँ बनाई है सबसे लास्ट में डाल लें तो पकौड़ियों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, क्रिस्पी रहती हैं। और अब हम इसमें फ्रेश छौंक लगाएंगे। तो पहले हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं और ऊपर से हमें एक चम्मच देसी घी लेना है। अपनी कड़छी वाले पैन में छौंक लगा रही हूँ इसको, ये देख सकते हैं ये गर्म हो गया है। अब हमें डालेंगे एक चम्मच देसी घी और इसमें एक चम्मच डालेंगे ये राई, सरसों मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं ये मोटे वाले काली वाले वो। और एक दो हरी मिर्च डालेंगे, इसका आप चाहे साबुत भी ऐड कर सकते हैं या छोटा सा टुकड़ा करके, लेकिन साबुत मिर्च कभी फ्राई मत करें, लटक जाती है। इसे थोड़ा सा पीस निकाल लें। अभी अच्छी तरह से लाल जब हो जाएगी, अब हम ये डालने वाले हैं इसमें चार से पांच कड़ी पत्ते, ड्राई कड़ी पत्ते हमें काफ़ी है। जो हम छौंक अब लगा रहे हैं फ्रेश छौंक का जो है कढ़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम थोड़ी सी हींग इसमें और ऐड करेंगे, इससे हमारा हींग का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आएगा। अब हमारा मसाले तैयार हैं, आप देख सकते हैं भूंगे हैं हमें इसमें ऐड करने वाली हैं। देखिए आपकी कोल्स की दाल की गर्मा गर्म कढ़ी तैयार है। अब हम इसे हरी पत्ती धनिया जो मैंने काट के रखा है उससे सर्व करेंगे। तो ये देख सकते हैं गर्मा गर्म कढ़ी तैयार है। आप इसे अपने लंच या ब्रेकफास्ट जैसे भी आप चाहें, रोटी चावल के साथ हर चीज़ के साथ अच्छी लगती है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।